उसके लिए भी आपने वहां पे शामिल होना है। बाकी राजनीतिक बातें मटदादू गांव के लोग बहुत समझदार हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। इस कांग्रेस से तो हम इतने दुखी हैं, हमने एमएलए बना दिया गलती से। एमएलए क्यों बनाया? ये सोच के बनाया भाई केवी सिंह जी दो चुनाव हार गए, दो चुनाव हार गए तो भावना हो गई भाई इनके बेटे को जिता दो, एक मौका दे दो। और अजय सिंह जी या नैना जी चुनाव नहीं लड़ रही थी क्योंकि अपने को पार्टी खड़ी करनी थी। अगर डवाली में ही चुनाव लड़ते तो जेजेपी को कौन खड़ा करता? आप मेरी बात से वो रखते होंगे, पार्टी खड़ी करने के लिए घर से बाहर निकल करके चुनौती लेनी पड़ती है। तो बाढ़ा जाना पड़ा, दुष्यंत जी को उचाना जाना पड़ा और तभी अपनी आज ये है कि 10 सीट अपनी पार्टी की जीत के आई। मगर पीछे कांग्रेस को मौका दे दिया, वो भावना में दे दिया। मगर हमारी भावना के साथ इन कांग्रेसियों ने खिलवाड़ किया। क्या खिलवाड़ किया? हमारे एमएलए साहब ने तो कभी चेहरा ही नहीं दिखाया, कभी हमारे बीच में नहीं आए। बनाया तो ये सोच के था कि नौजवान है, हमारे बीच में रहकर हमारे काम करेंगे। मगर डवाली से ज्यादा बताते हैं अपने ससुराल वालों का एमएलए बन के रह गया अबोर वालों का। यही बात है कि नहीं है? यहां नहीं आते, ये तो अपने ससुराल का एमएलए है। और बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है वो लगते तो मेरे चाचा जी हैं, मगर मेरे चाचा ने हमारे बीच के भाईचारे को कितना बिगाड़ने का काम किया। और मेरा चाचा तो दोनों हाथों से ये सोच के भाई राज में राज का जिला अध्यक्ष हूं, कहीं कोई कमीशन खोरी के अंदर सबसे पहला नाम आता है तो आदित्य जी का नाम आता है। हर चीज के अंदर कमीशन खोरी कर दोनों हाथों से लूटने ठगने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस पार्टी से दोनों से दुखी हैं और याद कर रहे हैं डवाली के लोग अजय सिंह जी के टाइम को। अजय सिंह जी को जेल हुई तो उसके बाद नैना जी को बनाया। मेरी माता जी को तो राजनीति आती नहीं थी, वो आपके बीच में जब आई थी तो ये कह के आई थी डवाली वालों जैसे मुझे बताओगे मैं तो वैसे करते जाऊंगी। मेरी माता जी ने, आप ईमानदारी से ये बताओ कि कभी किसी में भेद किया क्या? कभी कोई जाति पाति का भेद किया क्या? कभी ये भी नहीं पूछा होगा कि रणदीप ये बता दे ये अपनी पार्टी के हैं या ये अपने से पराए हैं? कभी नहीं पूछा। जो काम के लिए आ गया सबको गले लगाकर अपना मान करके बुजुर्गों के पैरों में हाथ लगा करके सबके काम किए, किए थे कि नहीं किए? तो अब इनसे फिर पीछा छुड़वा लो। दिवाली के अंदर अपना जेजेपी का राज हमने लेके आना है। मगर राज कब आएगा? जब सिरों की गिनती अपने साथ ज्यादा होगी। और सिरों की गिनती दिखाने का मौका 8 तारीख को अपने पास आया है। अपनी रैली को कामयाब करना है, करोगे कि नहीं करोगे? ज्यादा से ज्यादा पहुंच करके उस रैली को कामयाब करें। दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है, हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि हुड्डा अगर मुख्यमंत्री बन गया खुदा ना खास्ता तो फायदा होगा रोहतक वालों का, अगर कोई और बनेगा तो कहीं और का फायदा होगा। हमारा फायदा एक ही तरीके से हो सकता है, जब दुष्यंत चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री बने, चंडीगढ़ में हमारी पूरी सरकार बने, उस लक्ष्य की। आपने काम जो बताए थे, अब काम तो आपके गांव के वैसे बहुत हुए भी हैं और बहुत सारे काम होने भी हैं। गंगा से लेकर रामपुरा तक जो सड़क बन गई आपके यहां, झूठी खेड़ा से मलकपुरा तक सड़क बनी, रामपुरा से मलिकपुरा तक सड़क बनी, मिठरी से मलिकपुरा मटदादू जो है इसका जल्द काम शुरू हो जाएगा। और भी जो जो ब्लॉक समिति के बहुत सारे काम हुए, पंचायती राज के बहुत सारे काम हुए हैं आपके बीच में।